हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह और मेरे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्लांट किंगडम की एक दवा स्टेफिसैग्रिया के बारे में बात करेंगे। स्टेफिसैग्रिया का मानसिक लक्षण बहुत प्रोमिनेंट होता है, मेंटल सिम्टम्स। स्टेफिसैग्रिया का पेशेंट बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। अगर कोई चाहे कि स्टेफिसैग्रिया के पेशेंट को गुस्सा दिलाएं तो बहुत जल्दी दिला सकते हैं, लेकिन स्टेफिसैग्रिया का पेशेंट अपना गुस्सा जाहिर नहीं करता, व्यक्त नहीं करता, वो उसे दबा देता है। कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे अन्याय हो रहा हो वो क्रोधित हो जाता है, या अगर उसका इंसल्ट हुआ तो वो क्रोधित हो जाता है। पर खास बात यही है कि वो उसके बाहर नहीं निकालता। एक उदाहरण देता हूं मैं। एक जगह जहाँ पे किसी को लाइन लगा के, फॉर एग्जाम्पल, सिनेमा का टिकट निकालना है या बिजली का बिल भरना है, जहाँ पे आपको सिस्टमेटिक लाइन लगा के आपको वो काम करना है। अब होता क्या है कि कोई बंदा अगर बीच में आ गया, घुस गया, तो स्टेफिसैग्रिया का पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बाकी के लोगों ने, जिन्होंने लाइन लगाया है, वो उसके साथ अन्याय है, और अन्याय स्टेफिसैग्रिया पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता। गणित ये कोशिश करता है उसे समझाने की, पर सामने वाला अगर रफ है तो वो रफ लैंग्वेज में बात करेगा, इसमें तू तू मैं होने लगता है, और हो सकता है वो सामने वाला बंदा रफ होने की वजह से कोई इंसल्टिंग लैंग्वेज बोल दे या कोई ऐसा शब्द बोल दे जो उसके लिए इंसल्ट हो। खास बात यह है दोस्तों कि स्टेफिसैग्रिया पूरी तरह से वॉयलेंटली बाहर अपना गुस्सा निकालता नहीं है। जब उसे लगता है कि अब मेरा इंसल्ट हो रहा है तो वो चुप हो जाता है और वहां से निकल जाता है। निकल के वो घर पे जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता, अपने गुस्से को दबाए रखता है, अपने अपमान को दबाए रखता है, अपने साथ हुई नाइंसाफियों को दबाए रखता है। उसकी नींद हराम हो जाती है, दिन भर वही ख्याल आते हैं, सो नहीं पाता वो, कई रातें नहीं सो पाता वो, इस अपमान की आग में, इंसल्ट की आग में वो जलता रहता है। कई रातें ठीक से न सोने की वजह से उसे फिजिकल फटीक होने लगता है, थक जाता है वो, ठीक से काम नहीं कर पाता, उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता। गलतियां करने लगता है वो, अपने काम में, अपने व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगता है उसमें। इस तरह का गुस्सा होता है स्टेफिसैग्रिया का। एक इंसल्ट, और दूसरा है सबसे सेक्सुअल डिजायर। मैं इसका एक उदाहरण लेता हूं, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअली क्या सिचुएशन हो सकता है। समझ लीजिए स्टेफिसैग्रिया का पेशेंट है और उसकी शादी सेपिया वुमन से हो गई, जिसको सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल नहीं है। स्टेफिसैग्रिया को सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है, पर वो, अगेन आई विल टेल यू, जैसे वो गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाता, ये सेक्सुअल डिजायर भी वो बाहर नहीं निकाल पाता, बोल नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़के लड़कियों को देखते हैं तो ये देखेगा नहीं, या लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, वो नहीं करेगा, ये उसे ये इनडिग्निफाइड लगता है, उसको अपने स्टैंडर्ड से लो लगता है ये।
स्टेफी अपने लिए बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट करके रखता है। अब सपोज सेपिया फीमेल है, उसकी वाइफ है, उसको सेक्सुअल डिजायर बहुत कम है और स्टेफी सेबिया को बहुत ज्यादा होता है। इवन अपने वाइफ से भी कहना कि लेट्स वी हैव सेक्स, वो उसके लिए इनडिग्निफाइड लगता है, उसे लगता है मैं भीख मांग रहा हूं, कि ये इंसल्टिंग लगता है मुझे, और अपने सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस कर देता है। पहला इंसल्ट अनजस्टिस, दूसरा सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, यही दो वजह मेन है स्टेफी सेग्रिया में। और सप्रेस सेक्सुअल डिजायर की वजह से इनडिफरेंस हो जाता है, वो इरिटेबल हो जाता है, अगेन फटीक, मेंटल वीकनेस, मेमोरी वीक हो जाती है, ये सारी चीजें होने लगती हैं। दोस्तों ये अपने आप को इतना बड़ा स्टैंडर्ड क्यों बना के रखता है अपने लिए? कई फिल्मों में आपने देखा होगा या कई बार लोगों को अपने बच्चों को समझाते हुए देखा होगा आपने कि बेटा उसके साथ खेलना हमारे स्टेटस के नीचे है या ये काम करना हमारे स्टेटस के नीचे है। आप छोटे से बच्चे के दिमाग में ये फोर्सिबली डाल रहे हो आपका स्टेटस बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो मार्केट में उतरता है तो उसे तो दुनिया झेलनी पड़ती है ना। ये सारा सिचुएशन एक ऐसी फैमिली से वो आता है जहां का स्टेटस बहुत, अपना स्टेटस को बहुत बड़ा मान के रखा हुआ है उस फैमिली ने, उसी तरह की विचारधारा इस छोटे से बच्चे में ड्रिल कर दी जाती है। और जब ये मार्केट में जाता है, समझिए कहीं एम्प्लॉय है, कहीं जॉब कर रहा है, वहां पर उसके मालिक ने कुछ इंसल्टिंग बोला, तो इसने तो अपना स्टैंडर्ड बहुत हाइट करके रखा हुआ है ना, वो उसको हर्ट हो जाता है, इट इज वेरी इंसल्टिंग फॉर मी। और उसका ये इंसल्ट फीलिंग सिंपल नहीं होता, वो इंसल्ट और घृणा ये दोनों का मिश्रण होता है। आप कह सकते हैं उसको जब गुस्सा आता है इंसल्ट पे तो घृणित गुस्सा आता है, गुस्से के साथ साथ उस आदमी के साथ घृणा होने लगती है उसको। इस तरह का स्टेफी सेग्रिया पेशेंट होता है, घृणा और गुस्से का कॉम्बिनेशन होता है ये। दोस्तों आदमी कितना सहेगा? स्टेफी सेग्रिया भी सहते 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 उसका आउटबर्स्ट होता है, और जब उसका आउटबर्स्ट होता है तो सारी चीजें तोड़ देता है, सारी चीजें जला देता है, बिखेर देता है, फेंक देता है। डिजायर टू ब्रेक थिंग, डिजायर टू सेट थिंग ऑन फायर, डिजायर टू सेट हाउस इन फायर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले ने अपमानित किया या सामने वाले ने कोई गलती किया तो इसको हर्ट हो। ये इतना जस्टिस पसंद होता है कि जब इसे लगे कि मैंने, मुझसे कुछ गलती हुई है, तो ये अपने आप से भी उतना ही घृणा करता है, अपने आप को भी उतना ही दोषी मानता है। ये इस तरह के स्टेफी सेग्रिया पेशेंट होते हैं। और जब ये अपनी गुस्से को दबाता है, बंद करता है, तो उसका बदन कांपने लगता है। इट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू स्टॉप दैट एंगर, और उस समय उसका बदन कांपने लगता है। आपने सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा कि एक उदंड बच्चे ने अपने बाप का इंसल्ट किया और वो हार्ट अटैक से मर गया, इंसल्ट से। उसका इंसल्ट मौत के बराबर था, मर जाना उसके लिए आसान रहा पर इंसल्ट झेलना नहीं। ऐसे डिग्निफाइड होते हैं स्टेफी सेग्रिया के पेशेंट।
हो सकता है स्टेफिजेग्रिया पेशेंट को हार्ट अटैक अगर आपने उसका इंसल्ट किया तो। बाकी सब लोग उसे छोटे लगते हैं, ये बहुत कंसर्न रहता है कि लोग मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन कैलकेरिया का आपकी तरह नहीं, लोग मेरे बारे में, मेरी सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं, ये यहां पे है कि लोग मेरे स्टेटस के बारे में क्या सोचते हैं, मेरा मान प्रतिष्ठा, मेरा अभिमान, ये है स्टेफिसेग्रिया। ब्यूटी से कंसर्न नहीं है इसका, पैसे से कंसर्न नहीं है इसका, इसका कंसर्न है अभिमान से, इनजस्टिस से, दैट सॉर्ट ऑफ स्टेफिसेग्रिया। कभी स्टेफिसेग्रिया पेशेंट आए और गलती कर ले, इससे पहले कि आप उसे डांटें, उसे शब्दों का तीर लगने से पहले वो अपने आप माफी मांग लेगा आपसे, क्योंकि आप जो कड़वा शब्द बोलेंगे वो उसे ज्यादा चुभेगा। इससे आसान उसको लगता है कि मैं माफी मांग लूं, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द उसको कई रात जगाएंगे, ठीक से काम नहीं करने देंगे, वो अपमान की आग में जलता रहेगा, घुटन से जलता रहेगा। स्टेफिसेग्रिया पेशेंट का जो यंग जनरेशन होता है उसे आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो रास्ते में खड़े होकर लड़कियों को देखता है, कभी नहीं, चाहे वो किसका कितना भी सेक्सुअल डिजायर हो। इट इज बियॉन्ड, बिलो हिज डिग्निटी, वो कभी नहीं कहेगा, वो सेक्सुअली अपने सेक्सुअल थॉट किसी को नहीं बोलेगा, इट इज बिलो हिज डिग्निटी। बस ये चीजें याद रखिए स्टेफिसेग्रिया में, बाकी बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं क्या, लेकिन ये मेन चीज है, इसे आप पकड़ के रखिए, इनजस्टिस, इंसल्ट, इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, सप्रेस एंगर, साइलेंट एंगर एंड ऑनेनिज्म। ऑनेनिज्म यूजुअली यूथ में होता है, जैसे इनकम्प्लीट इंटरकोर्स लाइक मैस्टुबेशन, जो ख्यालों में अपने फिजिकल रिलेशन करते हैं वो वास्तविकता में नहीं, दैट शॉर्ट ऑफ ओनैनिज्म वी कैन से अपॉन सेक्स, उससे भी स्टेफिसेग्रिया के कंप्लेंट्स होते हैं, क्योंकि ये हर चीजों को दबाता है, हर चीजों को, और जब चीजें विगरसली बाहर आती है ना तो उसका बदन कांपने लगता है। जब तक ये चीजें ना हो दोस्तों, जब तक ये चीजें ना हो, स्टेफिसेग्रिया मत देना, गुस्से में मत देना जब तक ये उसके साथ डिग्निटी रिलेटेड ना हो, सप्रेस सेक्सुअल डिजायर में मत देना, बहुत सारी दवाइयां हैं, पर स्टेफिसेग्रिया का ये चीज होना बहुत जरूरी है। फिर वो रोग कोई हो, कोई भी बीमारी हो, किसी भी स्टेज में हो, इट हार्डली मैटर्स, आपका काम है उसको दबा देना, उसकी जो मानसिक स्थिति है, फिजिकल स्थिति है, उसके ऊपर। और जो हमारा फिजिक होता है माइंड का मोहताज होता है, जो माइंड सोचेगा वही फिजिक पे होगा, सो बेटर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन माइंड। दे आर लॉट ऑफ, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं एसिडिटी कौन सी दवा है। दोस्तों मैं क्या बताऊं एसिडिटी की दवा, कम से कम अपना डिटेल तो बताइए मुझे। आज जैसे मैंने बताया स्टेफिसेग्रिया ये है, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर की है दवा, पर आप लिस्ट खोलेंगे तो 500 दवा है। इम्पोटेंसी की है स्टेफिसेग्रिया दवा, लिस्ट खोलेंगे 100 दवा है। सप्रेस एंगर की है स्टेफिसेग्रिया दवा, पर लिस्ट खोलेंगे तो 150-200 मिलेंगी आपको, पर ये डिग्निफाइड ये सब में नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी कोई सवाल पूछिए आप ये ध्यान रखिए
कि उसके मानसिक लक्षण जरूर लिखें, क्योंकि बिना उसके होम्योपैथी में तो आपको आराम नहीं मिल सकता। अगर वो आराम मिला भी है तो टेम्पररी और क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। इट इज मियरली पैलिएशन और सप्रेशन। आई मोस्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटल सिम्टम्स एंड एवरीवन शुड। मुझे 28 साल के प्रैक्टिस ने यही बताया है कि मुझे क्या लेना है पेशेंट से दवा देने से पहले। मुझे जानना है, अगर यहाँ पे आदर्श बैठा है तो मुझे पता चलना चाहिए कि आदर्श का नेचर क्या है। अगर यहाँ पे हिमांशु बैठा है तो मुझे पता चलना चाहिए हिमांशु का नेचर क्या है। दैट आई शुड नो, विदाउट नोइंग मैं किसको दूं दवा। गॉट इट? इसके फिजिकल सिम्टम्स, ये रिकरेंट स्टाइज जो होती हैं उसकी बहुत अच्छी दवा है, जिसको हिंदी में बिल्ली बोलते हैं। बार बार अगर वो आ रही है तो स्टेफिसेग्रिया उसकी बहुत अच्छी दवा है, या चैलेजॉन, या जो आँख के जो मार्जिन्स होते हैं, ये मार्जिन्स है, यहाँ खुजली होती है, इसके कान के पीछे इरप्शंस होते हैं। स्टेफिसेग्रिया का जब इंसल्ट का मैं बताते समय एक चीज़ भूल गया, जब ये लगातार ये अपमान की आग में जलते रहता है तो इसको हेडेक होता है, और वो हेडेक बहुत अजीब होता है, ये यहाँ पे दिस पोर्शन भारी हो जाता है, ये ऐसे लगता है कि लकड़ी का टक्का रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है यहाँ पे, ये भारी हो जाता है और ये हल्का हो जाता है, यहाँ लगता है ये वैकेंट है, खाली है। और स्टेफिसेग्रिया के हेडेक के साथ साथ जमाई बहुत आ गया। दोस्तों, स्टेफिसेग्रिया पेशेंट के दांतों की तकलीफ बहुत होती है उसे, उसके दांत काले पड़ जाते हैं, और जो मसूड़े होते हैं वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, ऐसे दबाने से दबते हैं, आराम से ब्लड निकल आता है उनमें से, अगर ज़ोर से ब्रश किए तो ब्लड निकल आएगा। स्टेफिसेग्रिया का जो पेट है वो एकदम लैक्स होता है, थुल थुल ऐसे लगता है, नीचे भारीपन लगता है बहुत, लेकिन इसे भूख बहुत लगती है, बहुत खाता है, लेकिन इसे जरूरत पड़ती है इसे सपोर्ट करके रखने की, इतना रिलैक्स रहता है उसका पेट। बस बाकी सब बहुत दवाएं, कोलिक की एक अच्छी दवा है ये, और कोलिक का भी रिलेशन इसका माइंड से ही है। अगर किसी ने इंसल्ट कर दिया या गुस्से में आ गया, इसने अपना गुस्सा दबा दिया, तो इसको पेट का दर्द शुरू हो जाता है। इट इज़ अगेन रिलेटेड टू माइंड। दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स हैं वो आराम करने से, सुबह का नाश्ता करने से और गर्मी से कम होते हैं, और गुस्से को दबाने से, इसका इंसल्ट होने से, चिड़चिड़ेपन से, मैस्टुबेशन से, सप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर से इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। मोस्टली इसकी 30 या 200 पोटेंसी का उपयोग करना आप लोग, और किसी भी पावर में दवा देने के बाद वेट फॉर द रिज़ल्ट। उसको सुबह शाम 7-10 दिन तक मत दीजिए। वो दवा आपके लिए बनी है, इंडिविजुअल, उसको एक डोज देके उसका एक्शन होने दीजिए, काम करने दीजिए, इट विल वर्क। क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी दवाइयों के या किसी भी वनस्पति को ट्रैचुरेट करके या सकसन से उसके पावर को बढ़ाया जाता है, डायनामाइजेशन होता है उसका, और जब उसका पावर बढ़ता है तो एक डोज ही सफिशियंट होता है, माय डियर। सो इट इज़ माय काइंड रिक्वेस्ट, ब्लाइंडली फटाफट सुबह शाम दवा मत लीजिए। टेक 1 or 2 डोज, वेट फॉर रिजल्ट, इट विल गिव रिजल्ट इफ योर मेडिसिन इज करेक्ट। दोस्तों, मैं हर दवा को ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा करूँगा तो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग बोर हो जाएंगे सुनते सुनते, लेकिन जो मेन कोर रहता है वो मैं आपको दे देता हूँ ताकि उसका आप लोग उपयोग कर सकें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए,
मेरा ये डिस्क्रिप्शन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। बहुत से लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो सवाल प्राइवेट ही रहे तो अच्छा है, या जो उनकी तकलीफें हैं, जो उनकी बीमारियां हैं, वो प्राइवेट रही तो ही अच्छा है। इसलिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया है। अच्छा होगा आप लोग उसमें अपना डिस्क्रिप्शन करके मुझसे सवाल पूछें, लेकिन पूरा डिस्क्राइब कीजिए। इट इज़ माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़। देखिए, मैंने ईमेल दिया हुआ है, वहाँ से सवाल पूछिए, अपने प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।